वन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आई हूँ। जितने भी हमारे स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर हमारे सेंटर के एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि अभी हमारे एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उसके रिलेटेड ये ज्योग्राफी के एमसीक्यूज मैं लेके आई हूँ। एंड विद एक्सप्लेनेशन हम इन एमसीक्यूज को एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपना सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following river originate as well as ends in the territory of India? कौन से river है जो कि originate भी India में होता है और end भी India में होता है? ब्रह्मपुत्र, इंडस, कोसी या चंबल? So इसका correct option है option D। Okay, तो ब्रह्मपुत्र river जो है वो तिब्बत से निकलती है। ओके, इंडस जो रिवर है वो मानसरोवर लेक जो है तिब्बत में वहाँ से निकलती है। ओके, एंड कोसी रिवर को सौरो ऑफ बिहार भी बोला जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि सौरो ऑफ बिहार कौन से रिवर को बोला जाता है। तो सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है कोसी को। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। रिवर ऑरिजिनेट एंड एंड्स इन इंडियन टेरिटरी, दैट इज चंबल। सेकंड क्वेश्चन इज द कोयना, तुंगभद्रा, भीमा रिवर्स आर द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तापी, गंगा, गोदावरी, कृष्णा या फिर तुंगभद्रा? सो ये जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ये है कृष्णा रिवर की। इसका ऑप्शन है ऑप्शन फोर, यानी कि हमारा कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं ये सभी। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द रोर ऑफ इंडिया? गोदावरी, दामोदर, महानदी या स्वर्ण रेखा? रोर जो है वो एक जगह है जर्मनी में। ओके, ये जगह है जर्मनी में एंड फेमस है किसके लिए? कोल के लिए फेमस है। तो ये जगह है जर्मनी में, कोल के लिए फेमस है। वैसे ही दामोदर, इसका करेक्ट ऑप्शन है दामोदर, यानी कि दामोदर वैली जो है 6% जो कोल रिजर्व है इंडिया का, कोल रिजर्व है इंडिया का, वो कहाँ से आता है? दामोदर रिवर के वैली के आसपास आता है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है दामोदर। रोर ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? दामोदर को बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसन इज कॉल्ड द रोर ऑफ इंडिया? ये है हमारा बी, दामोदर रिवर। फोर्थ क्वेश्चन, द सिवासेरम समुंदरम फॉल्स इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? कौन से रिवर पे सिवासमुंदरम जो है वॉटरफॉल है? कावेरी, सुबर्णरेखा, इंद्रावती या वेगाई? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा कावेरी रिवर। कावेरी रिवर के पास ये वाला वाटरफॉल है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। एंड आपको पता होगा कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स चल रहा है किसके बीच में? कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बॉर्डर के पास ही सिवासमुंदरम वाटरफॉल है। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिवासमुंदरम वाटर फॉल के पास एक मंदिर भी है जिसको हम बोलते हैं रंगनाथ स्वामी टेम्पल। ये कहाँ पे है? ये हमारे सिवासमुंदरम वाटरफॉल यानी कि कावेरी रिवर के पास है। तो ये जो टेम्पल है, ये इस टेम्पल में किस भगवान की पूजा की जाती है? तो इसमें लॉर्ड विष्णु की पूजा की जाती है। सो आप देख सकते हैं कि हमारे एक ही क्वेश्चन से कितने सारे और एमसीक्यूज निकल सकते हैं, तो आपको ये सब याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, द इंडस रिवर आल्सो नोन एज, इंडस रिवर को और क्या कहा जाता है? गंगा, पद्मा, सिंधु या नन ऑफ दिस? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सिंधु रिवर कहा जाता है। एंड इंडस रिवर आपको पता है कहाँ से निकलती है? ये निकलती है मानसरोवर लेक से, एंड वहाँ पे इसको बोला जाता है सिंगी खम्बन, यानी कि ये क्या, इसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है? माउथ ऑफ लॉइंस माउथ या माउथ ऑफ लॉइंस,
लॉइंस माउथ, ओके आपको ये याद रखना है कि वहाँ पे इसको सिंगी खम्बन बोलता है तिब्बतन लैंग्वेज में, यानी कि लॉइंस माउथ। तो इसका जो इसको इंडस रिवर को सिंधु नदी भी बोला जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द इंडस रिवर आल्सो नोन एज नाइल रिवर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इंडस रिवर को नाइल रिवर भी कहा जाता है। अब ये नाइल रिवर, इंडस रिवर को कौन सी कंट्री में कहा जाता है? चाइना, भूटान, म्यांमार या पाकिस्तान? तो आपको पता होगा कि ये जम्मू कश्मीर, जब ये तिब्बत, ये चाइना से निकलती है हमारी इंडस नदी, तो जम्मू कश्मीर से जाती हुई ये कहाँ बह जाती है? हमारे पाकिस्तान में बह जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है, यानी कि पाकिस्तान में इंडस नदी को नाइल रिवर कहा जाता है, ओके। तो इंडस रिवर को नाइल नदी कहा जाता है कहाँ पे? पाकिस्तान में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि नाइल रिवर जो है इंडस नदी को कहा जाता है कहाँ पे? पाकिस्तान में, ये आपको याद रखना है। एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, पाकिस्तान को कंट्री ऑफ कैनाल्स भी कहा जाता है। पाकिस्तान को कंट्री ऑफ कैनाल्स भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। एक और इम्पोर्टेंट, एक डेजर्ट है गोबी डेजर्ट, वो कहाँ पे है? हमारे चाइना में है, ये भी आपको याद रखना है, ओके। हर एक कंट्री में हर एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। आप देख सकते हो कि पाकिस्तान में जो इंडस रिवर है उसे क्या बोला जाता है? नाइल रिवर बोला जाता है, एंड पाकिस्तान को कंट्री ऑफ कैनाल्स भी बोला जाता है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम इंडस रिवर की लंबाई देखते हैं कि इंडस रिवर कितना किलोमीटर है, तो वो है 1140 किलोमीटर। आपको सब रिवर्स की लेंथ याद करना है क्योंकि वो सब इम्पोर्टेंट है, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे, ऑन विच ऑफ द फॉल, कौन सा रिवर जो है जो बारालाचा पास से ओरिजिनेट होता है? इंडस, चेनाब, जहलम या फिर हमारा कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन है ऑप्शन बी, जैसे चिनाब। चिनाब आपको पता है बारालाचा पास से ओरिजिनेट होता है, एंड चिनाब जो है दो रिवर्स को लेके बना है, चंद्रा एंड भागा। तो आपको ये भी याद रखना है, चंद्र एंड भागा जो दो रिवर्स लगा के बना है उसको हम बोलते हैं चिनाब। तो चिनाब रिवर का आपको संस्कृत नाम भी याद रखना है। इनफैक्ट ये जितने भी रिवर्स है आपको इनके संस्कृत नाम भी याद रखने हैं। लिख लेते हैं हम साथ में, इंडस रिवर का संस्कृत नाम क्या है? इंडस को सिंधु नदी बोला जाता है। अगर हम देखें तो चिनाब को कौन क्या बोला जाता है? चिनाब को अस्किनी बोला जाता है संस्कृत में। जहलम को क्या बोला जाता है? जहलम को वितास्ता बोला जाता है। तो आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है कि इंडस रिवर को क्या बोला जाता है, चिनाब को अस्किनी बोला जाता है, जहलम को वितास्ता बोला जाता है। तो अगर हम ऐसे ही देखें ब्यास नदी को क्या बोला जाता है, तो ब्यास नदी को विपास बोला जाता है, ओके। वैसे अगर हम रावी नदी के बारे में पढ़े तो रावी नदी को बोला जाता है पारुषिनी, पारुषिनी, पारुषिनी रिवर बोला जाता है रावी को। उसके बाद अगर हम सतलुज की बात करें, सतलुज रिवर को क्या बोला जाता है? सतुदरी, सतुदरी रिवर बोला जाता है संस्कृत लैंग्वेज में। तो आपको इन सब रिवर्स के संस्कृत नेम भी याद होने चाहिए, संस्कृत नेम भी याद होने चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। इंडस नदी को सिंधु रिवर बोलते हैं, चिनाब को हम बोलते हैं अस्किनी, अब जहलम की बात करें तो हम वितास्ता बोलते हैं, एंड अगर हम बात करें ब्यास की तो विपास, रावी की परुषिनी, एंड उसके बाद सतलुज की सतुदरी, ओके। ये इम्पॉर्टेंट है। एंड एक और चीज इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किया कि नाइल रिवर वाला कि पाकिस्तान में इंडस रिवर को क्या बोला जाता है, बट अगर देखा जाए हम इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी, तो इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी 19 सितंबर 1960। ये भी इंपॉर्टेंट है, डेट एंड ईयर आपको याद रखना है। और इसमें पाकिस्तान कौन कौन से रिवर को शेयर करता है और इंडिया कौन से रिवर को शेयर करता है, अगर देखा जाए इंडिया एंड पाकिस्तान कौन से रिवर को शेयर करता है, तो पाकिस्तान करता, इंडिया करता है रावी,
ब्यास एंड सतलुज को। एंड अगर ऐसे ही हम पाकिस्तान की देखें तो पाकिस्तान करता है इंदस, चिनाब एंड जहलम को। तो ये तीन रिवर्स करता है पाकिस्तान। तो ये डिवीजन हुआ था इंदस वाटर ट्रीटी जो कि 19th ऑफ सितंबर 1960 में साइन की गई थी बाय इंडिया एंड पाकिस्तान। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे प्रयाग के लिए। प्रयाग के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है अलकनंदा और पिंडर है, ये पिंडा की नहीं है, ये है पिंडर रिवर। पिंडर रिवर कौन सी प्लेस पे मिलते हैं, कन्फ्लुएंस होते हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, करण प्रयाग या रुद्र प्रयाग। सो पिंडर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, करण प्रयाग। तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी लाई है ताकि आपको पता चल जाए। देखिए ये जो रिवर निकल रही है, ओके, ये जो रिवर आ रही है बद्रीनाथ से, सो ये रिवर है हमारी अलकनंदा रिवर, ये अलकनंदा रिवर है, ओके। अलकनंदा रिवर में आके हमारी मिलती है ढोली गंगा। जब अलकनंदा रिवर में ढोली गंगा मिल जाती है तो वहां पे जो प्रयाग बनता है उसे हम विष्णु प्रयाग बोलते हैं। फिर जब अलकनंदा में नंदाकिनी रिवर मिलती है तो उसको हम, उस वहां पे जो प्रयाग बनता है उसे हम नंद प्रयाग कहते हैं। फिर अलकनंदा रिवर में हमारी पिंडर नदी, पिंडर गंगा मिल जाती है तो उसे हम कर्ण प्रयाग बोलते हैं। तो अलकनंदा में अगर पिंडर नदी मिलती है, नदी मिलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण प्रयाग बोलते हैं। अब अलकनंदा में मंदाकिनी रिवर, जो मंदाकिनी रिवर है वो केदारनाथ से निकली है, तो मंदाकिनी रिवर जब मिलती है तो हम उसे रुद्र प्रयाग बोलते हैं। एंड गंगोत्री ग्लेशियर से जब वो भागीरथी निकलती है, अलकनंदा से मिलती है, तो उस प्रयाग को देव प्रयाग बोलते हैं। और उसके बाद जो रिवर होती है उसे हम गंगा रिवर बोलते हैं। तो इन्हीं सब को हम पंच प्रयाग बोलते हैं, जैसे हमारा पहले विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग एंड देव प्रयाग, जो कि हमारे पांच प्रयाग हैं जो कि छह रिवर से मिलते हैं, जैसे ढोली गंगा, नंदाकिनी, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, इन सब रिवर और पिंडर रिवर, ये छह रिवर्स हैं और पांच प्रयाग हैं। इंपॉर्टेंट डायग्राम है, याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। यमुना रिवर की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ओके, इसका है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, डेट इज चंबल रिवर जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। तो यमुना जो रिवर है वो दिल्ली में है, ओके, दिल्ली में बहती है एंड आगरा में। अगर आपको पूछे कि आगरा शहर किसने एस्टैब्लिश किया था, 1504 में सिकंदर लोधी ने इसे बनाया था, सिकंदर लोधी ने इसे बनाया था 1504 में, ओके। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा है, द नर्मदा रिवर हैज इट्स सोर्स, नर्मदा रिवर का सोर्स क्या है, सतपुरा, अमरकंटक, वेस्टर्न घाट या नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है अमरकंटक, दैट इज बी, अमरकंटक मध्य प्रदेश में नर्मदा का सोर्स है। नर्मदा जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ओके। सो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। सो ये सब इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। होपफुली आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड बाय।